अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री करने चल रहे हैं, थ्री एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है ठीक। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए ए बी सी मतलब ए अपान एक्स माइनस वन बी अपान एक्स माइनस टू सी अपान एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। तो ए अपान एक्स माइनस वन हो गया, बी अपान एक्स माइनस टू हो गया और सी अपान एक्स माइनस थ्री हो गया। अब इस सबका लाशा ले लेंगे तो ये हमारा थ्री एक्स माइनस वन ऐसे ड्राइव कर देंगे और यहाँ पर थ्री और एक्स माइनस थ्री इसको टू हो जाएगा, ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और ये दोनों इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री। उसके बाद सी के लिए भी करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई सी में कर देंगे, ये हो जाएगा सी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू हो गया। उसके बाद वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ठीक। अब देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर दिख रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो बचा क्या है हमारा थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस टू पूरा राइट कर दे रहे हैं इसको और यहाँ पर एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। तो देखिए हमें बी और सी की वैल्यू को जीरो करना है तो कभी कभी इसलिए हम क्या रखें कि वैल्यू जीरो हो जाए, अगर हम एक्स का वैल्यू वन रख देंगे तो बी और सी पार्ट जीरो हो जाएगा जब हम एक्स का वैल्यू वन रखेंगे ठीक। और यहाँ पर भी वन रखेंगे तो थ्री थ्री माइनस वन मतलब टू आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस वन और यहाँ पर माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा तो टू आएगा, तो यहाँ पर टू ए हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर हम दोनों टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू वन आ गया ठीक। फिर अब हमें बी का वैल्यू हमें क्या करना है बचाना और हमें ए और सी के वैल्यू को जीरो करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू हम टू राइट करेंगे एक्स इक्वल टू टू क्योंकि यहाँ पर भी एक्स माइनस टू है और यहाँ पर भी एक्स माइनस टू है, जब हम बी का वैल्यू टू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये पार्ट हो जाएगा तो बचेगा ओनली बी पार्ट। तो बी के लिए यहाँ पर भी टू रखेंगे, दो तीन छह छह में से एक गया तो पांच बचा, तो यहाँ पर पांच बचा है इक्वल टू तो यहाँ पर हो जाएगा दो में से एक गया एक बचा और यहाँ पर दो माइनस तीन है तो माइनस एक आ गया ठीक। तो माइनस बी आ गया तो बी इक्वल टू माइनस पांच हो गया ठीक। अब देखिए हमें सी के वैल्यू को बचाना और ए और बी के वैल्यू को जीरो करना है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स इक्वल टू थ्री रखेंगे क्योंकि एक्स माइनस थ्री यहाँ पर भी एक्स माइनस थ्री यहाँ पर भी ए और बी दोनों में है। अब क्या करेंगे इसका वैल्यू थ्री रखेंगे पार्ट जीरो ए पार्ट जीरो और यहाँ पर थ्री का नौ हो जाएगा ठीक। नौ हो गया, नौ में से एक गया तो आठ बचेगा, तो यहाँ पर आठ रख देते हैं और यहाँ तीन में से एक गया दो और तीन में से दो गया एक मतलब कि दो सी बचा है, तो यहाँ पर टू सी लिख देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर चार बचेगा तो आ गया सी का वैल्यू चार। अब यही सारी वैल्यू यहाँ पर हम राइट कर देते हैं ठीक। तो एक अब एक प्लेस पर हम रखेंगे एक ही रखेंगे ठीक, तो यहाँ पर एक एक बटे एक्स माइनस एक हो गया। बी के प्लेस पर हम माइनस फाइव रखेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा फाइव है, उसके बाद अपान अपान हो जाएगा एक्स माइनस टू हो गया ठीक। उसके बाद प्लस है क्योंकि सी का वैल्यू प्लस में आया पॉजिटिव में, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस है कि फोर बाई एक्स माइनस थ्री हो गया ठीक। अब इन सबको हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपान एक्स माइनस वन, उसके बाद डी एक्स माइनस फाइव ये कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर वन अपान एक्स माइनस टू हो गया, उसके बाद प्लस फोर कॉन्स्टेंट यहाँ पर डी एक्स फोर कॉन्स्टेंट बाहर हो गया वन अपान एक्स माइनस थ्री, उसके बाद डी एक्स हो गया ठीक। जब इसको हम समाकलन करेंगे तो ये लॉग के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा। इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइव लॉग एक्स माइनस टू आ जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, उसके बाद प्लस सी आ गया। ये भी आंसर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव में दोनों को मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, देखिए हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन और ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री का पावर फोर और माइनस ये भी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो लॉग एक्स माइनस टू का पावर फाइव हो गया, उसके प्लस सी। अब इसको ये इंटू में दोनों हो जाएंगे और ये डिवाइड में, तो पूरा हम डायरेक्ट लेते हैं लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री का पावर फोर अपान एक्स माइनस टू का पावर फाइव उसके प्लस सी, तो हमारा फाइनल आंसर है ये हुआ।